वेलकम बच्चों, आप लोग स्क्रीन पे किनको देख रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पहचाना, ये है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद हमारे देश के बहुत ही एक महान संत थे और इनके बारे में जितनी भी कहा जाए बहुत कम है। इन्होंने बहुत सी बातें हम लोगों को सिखाई है, तो आज हम लोग इनके बारे में कुछ और जानेंगे। तो ये कौन सा चैप्टर है, आइए देखते हैं। ये है क्लास 3 का चैप्टर 9 और इस चैप्टर का नाम है स्वामी विवेकानंद। इनके नाम से ही चैप्टर दिया हुआ है, तो आइए हम लोग आज इसको पढ़ाई करेंगे। तो आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। मैं हूं दुलाचंद दास और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल से। आप लोग इसी तरह से बने रहें और जो लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़कर आप अपने पढ़ाई में मदद लें। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। स्वामी विवेकानंद वाज ए ग्रेट सेंट। स्वामी विवेकानंद एक महान संत थे। ही वाज बोर्न ऑन 12 जनवरी 1863 एट सिमुलियापल्ली इन कोलकाता। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में सिमुलियापल्ली नाम का जगह जो कि कलकत्ता में है वहाँ पे हुआ था। ही वाज वन ऑफ 9 सिबलिंग्स। वे लोग 9 भाई बहन थे, उनमें से स्वामी विवेकानंद एक थे। हिज फादर्स नेम वाज विश्वनाथ दत्ता एंड द मदर भुवनेश्वरी देवी वाज ए वेरी प्योस लेडी। उनके पापा का नाम विश्वनाथ दत्ता था और उनकी मम्मी का नाम भुवनेश्वरी देवी था और वह एक बहुत ही धार्मिक लेडीज थी, वह पूजा पाठ करने वाली महिला थी। विवेकानंद फर्स्ट नेम वाज नरेंद्र। विवेकानंद का प्रथम नेम, पहले जो बचपन में अक्सर किसी बच्चे का बचपन में कुछ नाम रहता है, अलग नाम रहता है और बड़ा होने के बाद उसका नाम बदल जाता है, उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था। बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से वे विख्यात हो गए। नरेंद्र ग्रैंडफादर दुर्गा चरण दत्ता वाज ए ग्रेट स्कॉलर इन संस्कृत एंड पर्सियन। नरेंद्र के दादाजी जिनका नाम दुर्गा चरण दत्ता था, वे एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे संस्कृत और पर्सियन में। ही वाज ऑल्सो ए वेरी रिलीजियस मैन। वे भी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। ही लेफ्ट हिज हाउस एंड बिकेम ए मॉन्क एट द एज ऑफ 25। वे अपने घर को छोड़ चुके थे, वे साधु बन गए थे, मॉन्क बन गए थे। मॉन्क मतलब साधु, संत, इस तरह की जीवन वो बिता रहे थे और वो 25 साल की उम्र में ही घर को छोड़ चुके थे। सो विवेकानंद फॉलोड द पथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर। और विवेकानंद इस चीज़ को देखे और वे भी उन्हीं की तरह उनके रास्ते पे चल पड़े। उनके दादाजी जिस रास्ते पे चल रहे थे उन्हीं की तरह वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। नरेंद्र दत्ता कंप्लीटेड ए बीए डिग्री इन 1884। नरेंद्र दत्त ने बीए की डिग्री मतलब बीए की पढ़ाई पूरा कर लिया 1884 ईस्वी में। ही वाज ए वेरी जीनियस स्टूडेंट। वह बहुत ही तेज बच्चा थे, तेज छात्र थे। हिज फादर डेड इन 1884, मतलब है कि जिस साल वो बीए की डिग्री हासिल किए उसी साल उनके पिता की मृत्यु भी हो गई। हिज फादर डेड इन 1884, मतलब उनके पिता का मृत्यु 1884 ईस्वी में हुआ। नरेंद्र वाज ऑफ वेरी रिलीजियस माइंड। नरेंद्र का मन बहुत ही धार्मिक था। ही मेट श्री रामकृष्ण परमहंस एट द रेसिडेंस ऑफ सुरेंद्रनाथ मित्रा इन 1881। उनकी मुलाकात श्री रामकृष्ण परमहंस से हुआ सुरेंद्रनाथ मित्रा के घर में 1881 ईस्वी में मुलाकात हुआ था। ही बिकेम ए सन्यासी इन 1887। वे 1887 ईस्वी में एक सन्यासी बन गए, पूरी तरह वो घर द्वार छोड़ चुके थे। इन 1892 ही वेंट टू कन्याकुमारी एंड देयर ही वाज इन मेडिटेशन फॉर 3 डेज। 1892 ईस्वी में वे कन्याकुमारी गए और वहाँ पे 3 दिनों तक इन्होंने ध्यान लगाया, वहीं से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन।
स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ, मठ का मतलब होता है मंदिर, तो रामकृष्ण मंदिर जो था उन्होंने बनवाया। और रामकृष्ण मिशन ये एक संस्था होती है जिसको लोगों की मदद के लिए बनाया जाता है। रामकृष्ण मिशन संस्था को भी उन्होंने स्थापित किया। ही वेंट टू अमेरिका इन 1893, वे 1893 ईस्वी में अमेरिका गए। ही पार्टिसिपेटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजियंस शिकागो इन सितंबर 1893। सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो में एक बहुत ही बड़ा धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था और वहाँ उस धार्मिक कार्यक्रम में दुनिया भर के कई धार्मिक गुरु लोग आ रहे थे, तो स्वामी जी वहाँ पे भाग लिए, वे भी वहाँ पे आमंत्रित किए गए थे। ही गेव 12 स्पीचेस इन दैट पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट में उन्होंने 12 भाषण दिए। ही बिगेन हिज स्पीच विथ सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने अपने भाषण के शुरुआत में कहा अमेरिका के भाइयों और बहनों, जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो बोलते हैं मेरे भाइयों और बहनों, वैसे बोलते हैं, उसी तरह से स्वामी जी ने अपनी स्पीच की शुरुआत में ही बोले अमेरिका के भाइयों और बहनों। ही विजिटेड अमेरिका, इंग्लैंड, जापान एंड सेवरल अदर कंट्रीज, वे बहुत अलग अलग देशों में जा चुके थे, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और बहुत सारे देशों में वे गए थे। स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड हिज स्पीचेज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड हिंदूज, स्वामी विवेकानंद जो स्पीच देते थे वो हमारे देश के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में बतलाते थे। इन 1895 एन आयरिश वुमन मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल मेट स्वामी जी। 1895 ईस्वी में एक महिला जिनका नाम मार्गरेट एलिजाबेथ, एक विदेशी महिला थी, वो स्वामी जी से मिली। सी बिकेम हिज डिसिपल, वह उनसे मिलने के बाद उनकी शिष्या बन गई, वो महिला उनके अनुयायी बन गई, उनके साथ काम करने लगी और उन्हीं के साथ रहने लगी। सी वाज गिवेन द नेम सिस्टर निवेदिता, जब वो धार्मिक कामों में लग गई तो उनका नाम बदलकर सिस्टर निवेदिता रख दिया गया। एट द एज ऑफ 39 ईयर्स ऑन 4 जुलाई 1902 ही सेट आउट फॉर हेवन, मात्र 39 साल की उम्र में वे 4 जुलाई 1902 ईस्वी को उनका निधन हो गया। वी स्टिल रिमेंबर हिज सेइंग, उनकी कही हुई बातें हमें हमेशा याद रहेगा, जैसे कि राइज वेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, उनकी बातें हमें हमेशा याद रहेगी। वे कहते थे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, ये उनकी बातें हमेशा हमें याद रहेगी। और यह चैप्टर 9 यहाँ पे समाप्त हो जाती है और इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, आप इसको पढ़कर याद कर लेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए होंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चंस है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और इनके नाम लिखने के लिए कहा गया है, मैं आपको इन लोगों के नाम लिखकर भी दिखाऊंगा और इसमें क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये देखिए, इसमें कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 2 नंबर में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और 3 नंबर में मैच करने के लिए दिया गया है, 4 नंबर में मैच करने के लिए दिया गया है। तो आइए मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर बना के दिखाता हूँ। यह है चैप्टर 9 का क्वेश्चन आंसर। नंबर 1 में रिकॉग्नाइज दिस पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स, जो पिक्चर दिए हुए थे उसका नाम आप लोगों को लिखना है, उसको पहचानना है और उसके नीचे उसका नाम लिखना है। तो मैंने इसमें नाम लिख दिया है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, APJ अब्दुल कलाम, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गुरु नानक देव जी, माधव, सदाशिव गोलकर, इस तरह से आप लोगों को देखकर भर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु वाज स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद वाज ए ग्रेट सेंट, व्हेन एंड वेयर वाज स्वामी विवेकानंद बॉर्न, स्वामी विवेकानंद वाज बॉर्न ऑन 12 जनवरी 1863 एट सिमुलियापल्ली इन कोलकाता, राइट द नेम्स ऑफ पेरेंट्स ऑफ नरेंद्र, नरेंद्रस फादर्स नेम वाज विश्वनाथ दत्ता एंड मदर्स नेम वाज भुवनेश्वरी देवी, व्हाट वाज नरेंद्रस ग्रैंडफादर्स नेम,
Narendra's grandfather's name was Durga Charan Datta. When did Narendra complete a BA degree? Narendra completed BA degree in 1884. When did Narendra's father die? Where and when Narendra met Ramakrishna Paramahansa? Narendra met Ramakrishna Paramahansa at the residence of Surendranath Mitra in 1881. Who founded Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission? Swami Vivekananda founded Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission. When did Swami Vivekananda give his speech in the Parliament of the World's Religions, Chicago? Swami Vivekananda gave his speech in 1893. When did Vivekananda die? Vivekananda died on 4 July 1902. क्वेश्चन नंबर 3 में मैच करने के लिए दिया गया था और इसका मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है यहाँ पे। आप क्वेश्चन अपने बुक से देखकर अपने बुक में मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैच करने के लिए दिया गया था तो उसको भी मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। आप इसको अपने बुक में क्वेश्चन देखकर यहाँ से आंसर देखकर अपने बुक में मैच कर सकते हैं। और यहाँ पे चैप्टर 9 पूरी तरह समाप्त हो जाती है। अगर हमारे इस वीडियो से आपको पढ़ाई में थोड़ा भी मदद मिलता है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगली वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग अगली वीडियो में चलते हैं।